हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपने लोगों को ट्रेन से सामान भेजते हुए ज़रूर से देखा होगा, और इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपने लगेज बुकिंग और पार्सल बुकिंग जैसे दो वर्ड्स ज़रूर से सुने होंगे, या फिर अगर आप मेरे वीडियोज पहले से देखते आ रहे हैं तो भी ये वर्ड्स आपने ज़रूर से सुने होंगे। तो कुछ लोगों को तो पता है लगेज और पार्सल बुकिंग के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो लोग समझते हैं कि ये जो दोनों बुकिंग है वो एक ही है, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगेज और पार्सल बुकिंग दोनों अलग अलग हैं, इनका प्रोसेस अलग है और इनके बुकिंग के जो चार्जेस हैं उनमें भी अंतर है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों टाइप्स की बुकिंग के बारे में, और ये भी जानते हैं कि लगेज और पार्सल बुकिंग में से कौन सी बुकिंग आपको सस्ती पड़ती है और क्यों सस्ती पड़ती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेलवे से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं दोनों बुकिंग में। तो अगर आपको बाइक भेजनी है लगेज बुकिंग के माध्यम से, तो सबसे पहले आपके पास एक कन्फर्म पैरिट टिकट होना चाहिए। आपको स्टेशन 3 से 4 घंटे पहले पहुँचना होगा ट्रेन डिपार्चर के। उसके बाद आपको पार्सल ऑफिस में जाना होगा, और जो आपका सामान है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक डिलीवरी चालान मिलेगा जिसको आपको संभाल के रखना है। जब आप बाइक या फिर जो भी आपका सामान है उसको रिसीव करेंगे तो वही स्लिप आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, और अगर आपकी स्लिप खो जाती है तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको कोर्ट वगैरह से एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपनी जो स्लिप है वो उसको संभाल कर रखिए। आपका सामान जो है, चाहे बाइक है या फिर कोई भी सामान है, आसानी से रिसीव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लगेज बुकिंग में लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि 500 किलोमीटर का जो चार्ज है वो लगभग 1200 रुपये पड़ेगा, और 1000 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1700 रुपये के आसपास पड़ेगा। 2000 किलोमीटर की बात करें तो लगभग 3000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे लगेज बुकिंग में। अब हम दूसरा तरीका समझते हैं जो कि है पार्सल बुकिंग का। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी बाइक या फिर जो भी सामान है वो पार्सल करना है तो उसमें आपको कोई भी कन्फर्म टिकट नहीं चाहिए, और इसके लिए जो है आपको यहाँ भी आपको स्टेशन जल्दी पहुँचना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी बुकिंग जो है वो 3 से 4 दिन पहले करवानी होगी। मतलब आपको जिस डेट को वो चीज़ चाहिए, मतलब जहाँ पर भेजना है, तो भेजने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जब भी आप पार्सल करेंगे तो आपका पार्सल 4 से 5 दिन 6 दिन में पहुँचता है, तो उसी हिसाब से आप उसकी बुकिंग थोड़ा पहले कीजिए, तब आपका सामान टाइम पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा। उसके अलावा हम और बात करें तो पार्सल बुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी लगभग सेम सा है। मतलब आपको पार्सल ऑफिस जाना है, आपका जो भी पार्सल है उसको आपको अच्छी तरह से पैकिंग वैकिंग करा के उसकी बुकिंग कर देनी है। वहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, और अगर कुछ ऐसा सामान है जिसका वेट होता है तो वेट भी होगा, उस हिसाब से उसके चार्जेस लिए जाएंगे। अगर बाइक वगैरह है तो उसका एक मिनिमम अमाउंट जो है, जिस प्राइस की करंट टाइम में है, वो प्राइस वगैरह वहाँ पर भरना पड़ता है, उस हिसाब से जो है चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी जो बुकिंग का प्रोसेस है वो लगभग सेम है, इसमें आपको कंफर्म टिकट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा इसके जो चार्जेस है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पार्सल करते हैं किसी भी सामान को, तो उसके जो चार्जेस हैं लगभग, जैसे कि 500 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 700 रुपये है, और 1000 किलोमीटर का जो चार्ज है वो लगभग 1200 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों, इन चार्जेस को देख के ये लगता है कि लगेज बुकिंग में 25% आपको महंगा पड़ता है जो चार्जेस हैं, और अगर आप पार्सल करते हैं किसी भी सामान को तो 25% जो है आपको सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पार्सल बुकिंग सस्ती पड़ेगी और जो लगेज बुकिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी बुकिंग थोड़ा सही होती है, तो देखिए, लगेज बुकिंग में आपका जो सामान है वो आपकी ट्रेन में आपके साथ जाता है, तो इससे जो है आपका सामान जो है वो ईजिली उसी दिन जो है आपके साथ पहुंच जाता है, इसलिए शायद इसका चार्जेस जो है थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। हाँ, अगर हम बात करें पार्सल बुकिंग की, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो थोड़ा कम ज़रूर से हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये जो रेलवे है, ये पार्सल को अपने हिसाब से किसी भी ट्रेन से आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए शायद
इसका चार्ज थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये तो थी बात पार्सल और लगेज बुकिंग की कि कौन सी बुकिंग आपको सस्ती पड़ती है और कौन सी बुकिंग जो है आपको सही पड़ेगी। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आप जल्दी कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।